स्नेक एंड लैडर गेम चैलेंज। सौराष्ट्र नाम के गांव में शंकर, जय और किशन नाम के तीन दोस्त रहते थे। शंकर बहुत अच्छा आदमी था, पर जय और किशन उसे बातों में फुसलाकर उसे धोखा देते रहते थे। एक दिन तीनों एक जगह पिकनिक पर गए। यार, जैसे हमने सोचा था, तीनों एक एक किस्म की सब्जी बनाकर लाए हैं ना। मैंने सोचा चलो अच्छा होगा, इसीलिए मैं ज्यादा मटन बिरयानी बनाकर लाया हूँ। अरे यार, हमारे घर में गैस खत्म हो गया था, इसीलिए मैं कुछ बनाकर नहीं ला पाया। यार, हमारे घर में भी यही हाल है, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कुछ बनाकर नहीं ला पाया। अरे कोई बात नहीं यार, मैं लाया हूँ ना, हम तीनों के लिए काफी है। रुको, मैं जाकर पानी लेके आता हूँ, कहकर पानी लाने गया। तब वे दोनों नाश्ते हुए। अरे फिर से बकरा हो गया, फिर से बकरा हो गया शंकर, फिर से बकरा हो गया, फिर से बकरा हो गया, कहकर नाचने लगे। वहां खाना खाकर घर लौट रहे थे कि एक स्वामी जी उनके सामने आए। बेटे, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी हो तो दो ना। क्या पानी? अरे हमें चाहिए, हम नहीं दे सकते। तुम्हें पानी दिया तो हम क्या पिएंगे? चलो चलो जाओ यहाँ से, कोई और काम नहीं है क्या? हे, ऐसे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मुंह बंद करो, पता नहीं बेचारे कितने प्यासे होंगे। स्वामी जी ये लीजिए पानी, कहकर उन्हें पानी दिया। स्वामी जी ने वो पानी पिया। पीने के बाद, बच्चों मेरे प्यास बुझाने के लिए धन्यवाद। अरे धन्यवाद किसे चाहिए, सुना है कि आप लोग इच्छा पूरी करते हैं। सच है क्या? अगर सच है तो मुझे पैसे और सोना चाहिए, क्या हमारी इच्छा पूरी करोगे? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। स्वामी जी क्षमा करें, आप जा सकते हैं। गलत बात नहीं है बेटा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना मेरा धर्म है। तुम यहाँ से पूरब की ओर गए तो तुम्हें वहाँ सांप और सीढ़ी का एक खेल दिखाई देगा। अगर तुम लोग वो खेल खेलोगे तो तुम जो चाहते हो, जितना चाहते हो, सोना और पैसे मिलेंगे। आप लोग जाओ, हरिओम तत्सत, कहकर चले गए। बाद में ये तीनों पूरब की ओर जाने लगे तो आगे जाकर उन्हें वो सांप और सीढ़ी का खेल दिखाई दिया। वहां पर पासा भी था। यार, स्वामी जी ने सच कहा था, जो आखिर तक पहुंचे सोना और पैसा उसी का होगा। अरे बीच में सीढ़ी मिले तो बहुत खुशी की बात है, पर यदि सांप निकल गया तो समझो अपना बेड़ा गर्क है। अरे यार, पैसे का इतना लालच क्यों, ये खेल वेल कुछ नहीं चाहिए, चलो घर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पहले मैं खेलूंगा, फिर जय खेलेगा, आखिर में तुम खेलना, देखते हैं कि कौन जीतता है। यूं किशन ने पासा फेंका तो उसको सीढ़ी मिला, वो सीढ़ी पकड़कर चढ़ने लगा। फिर से उसने पासा फेंका तो वो सांप के मुंह पे पहुंचा, सांप ने उसे निगल लिया, वो सांप के मुंह से नीचे जाकर जमीन पे जा गिरा। लगता है ये सांप को गैस का प्रॉब्लम है यार, अंदर एकदम बदबू बहुत ज्यादा है यार। छी छी। जय, अब तेरी बारी है, पासा फेंको। जय ने पासा फेंका, उसे एक बड़ा सीढ़ी मिला, उसे पकड़कर ऊपर चढ़ा। फिर से उसने पासा फेंका तो सांप के मुंह में जा पड़ा, इस तरह सांप ने उसे भी निगल लिया, वो भी आकर नीचे गिरा। अरे यार, बदबू, अरे और थोड़ी देर रहता सांप के पेट में तो मैं मर जाता यार। अब तू जाए यार शंकर, अब तेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शंकर ने पासा फेंका और सीढ़ी चढ़ा। फिर से उसने पासा फेंका, फिर सीढ़ी आया, उसे पकड़कर ऊपर चढ़ा। यार, लगता है इसके टारगेट बहुत पास है। भगवान, हे भगवान, इसे इस बार सीढ़ी नहीं सांप लगना चाहिए, उसे निगलकर उसे भी नीचे गिर जाना चाहिए, हे प्रभु, कहकर प्रार्थना किया। तब शंकर ने फिर से पासा फेंका, फिर सीढ़ी पकड़कर सीधा पैसे और सोने के पास जा पहुंचा। यार, ये सारे पैसे का मैं क्या करूंगा? अरे तुम दोनों ने भी तो इतने प्यार से खेला था, आओ तीनों बांट लेते हैं। तभी स्वामी जी वहां पहुंचे। बेटा शंकर, वाकई तुम्हारा मन बहुत साफ है, ये दोनों दोस्ती के नाम पर हमेशा तुम्हें धोखा देते रहते हैं, आज भी इस खेल में
तुम हार जाओ ये प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर जो पासा है वो जादुई पासा है, मैं जो कहता हूँ वही गिरता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया कि उनको सांप निगल जाए, पर मैंने ऐसा किया कि तुम्हें पैसा मिले। स्वामी जी हमें माफ कीजिए, हमने गलती की, अब से हम किसी को धोखा नहीं देंगे। यार शंकर, तेरे जैसे अच्छे दोस्त होना हमारा सौभाग्य है, हम तुम्हें धोखा देना चाहते थे पर तुमने हमेशा हमारी भलाई ही सोचा। तब से तीनों गांव में अच्छे काम करते हुए खुशी खुशी जीने लगे।